नॉकनीज, जिसे जेन्यू वेलगम भी कहते हैं, नॉकनी एक्चुअली होता क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं, और अगर ये मसल्स की वजह से हो रहा है तो इसके लिए हम क्या एक्सरसाइजेस करके नॉकनीज को करेक्ट कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। राधे राधे, मैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता आप सभी का मेरे चैनल हेल्थ इज वेल्थ मनीषा गुप्ता में स्वागत करती हूँ। नॉकनीज में जो दोनों घुटने हैं, इन दोनों घुटनों का डिस्टेंस कम हो जाता है और इस तरीके से एक दूसरे से टकराने लगते हैं। ये नॉकनीज चेक करने के लिए हम देख सकते हैं, जब हम घुटनों को एक साथ लेके आते हैं तो दोनों फुट के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 8 सेंटीमीटर या 3 इंच का हो सकता है। नॉकनीज के बहुत से कॉजेज हैं, स्पेशली बच्चों में नॉकनीज की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, 2 से 8 साल के बच्चों में। और नॉकनीज का जो मुख्य कारण है वो है विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी। जैसे जैसे बच्चा बढ़ने लगता है वैसे वैसे नॉकनीज की प्रॉब्लम खुद ही करेक्ट होने लगती है, लेकिन कई बार नॉकनीज सिवियर अगर होता है तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे नी पेन, लिम्पिंग मतलब लड़खड़ाना। नॉकनीज ट्रॉमा की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। जब हिप अडक्टर्स मतलब ये इनर थाई की जो मसल्स हैं, जब ये टाइट होती है और इंटरनल रोटेटर्स टाइट होते हैं तो इस तरीके से ये दोनों घुटनों को एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं, और जब हिप अबडक्टर्स कमज़ोर होते हैं तो ये दोनों घुटने एक दूसरे की तरफ पास आने लगते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होती है उनको भी नॉकनी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब फ्लैट फुट होता है तो इस तरीके से जो पंजे हैं वो बाहर की अंदर की ओर घूम जाते हैं, प्रोनेशन में चले जाते हैं, और उसकी वजह से भी नॉकनी की प्रॉब्लम हो सकती है। नॉकनीज की प्रॉब्लम में पिलो पोजिशनिंग का विशेष महत्व है। अगर करेक्ट पिलो पोजिशनिंग की जाए तो नॉकनीज में काफी हेल्प मिलती है। आइए देखते हैं कि पिलो पोजिशनिंग कैसे करनी है। अगर पेशेंट सीधा लेटे तो उसको दोनों नीज के नीचे इस तरीके से पिलो को हॉरिजॉन्टल लगाना चाहिए, मतलब दोनों घुटनों के नीचे इस तरीके से लगाएं तकिया। उसके बाद दोनों घुटनों को धीरे धीरे ढीला छोड़ दें। ढीला छोड़ने के लिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हील अंदर की ओर और टोज बाहर की ओर घूमे हुए होंगे, इसे रिलैक्स पोजीशन कहते हैं। घुटनों की रिलैक्स पोजीशन है ये और नॉकनीज में हेल्पफुल है। साइड लाइंग पोजीशन में इस तरीके से भी पिलो पोजीशनिंग की जा सकती है। नीचे वाला पैर तकिए से बाहर रहेगा और ये चाहे तो आप सीधा रखें और चाहे तो आप हल्का सा मोड़ सकते हैं पैर को, नीचे वाले पैर को। ऊपर वाले पैर को इस तरीके से सामने पिलो रख कर उसके ऊपर आपको रेस्ट करना है। पिलो के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि आपके घुटने से लेकर आपके हील तक का पूरा की पूरा पोर्शन पिलो के ऊपर सपोर्टेड हो। आप दोनों घुटनों के नीचे भी तकिया इस तरीके से बीच में लगा सकते हैं, इससे भी नॉकनी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इस तरीके से पिलो पोजीशनिंग से नॉकनीज के पेशेंट्स को काफ़ी आराम मिलता है। नॉकनीज के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं उसका वीडियो हम अगली बार अपलोड करेंगे। नॉकनीज की प्रॉब्लम है उन्हें डेली एक्टिविटीज में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो कैंडिडेट्स आर्मी एग्जाम के लिए अपीयर होने जा रहे हैं वो कैंडिडेट्स नॉकनी के साथ एलिजिबल नहीं होते, इसलिए उन्हें नॉकनी करेक्शन की एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ धन्यवाद।